सबके 1K. I wasn't expecting this के मेरे इस साल तक 1K हो जाएंगे. तो अब हो गए हैं तो स्पेशल तो बनाना है ना. तो लेट्स स्टार्ट. तो जानीज व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल इन दिसंबर 2017 तब मेरा पहला व्लॉग आया था और उसके एक हफ्ते बाद आई हैड ऑलमोस्ट 50 या 80 सब्सक्राइबर्स थे. तो मुझे कुछ दोस्तों ने सपोर्ट किया कि हाँ यार अच्छा काम कर रहे हो. मगर एक तरफ तो मोटिवेटर्स होते हैं दूसरी तरफ हेटर्स होते हैं. कह रहे थे क्या नहीं होगा तुमसे ना हो पाएगा. एक जुमला तो सब फेस करते हैं वो देख लो. तो हाँ भाई जाफर बेटा आजकल क्या कर रहे हो तुम. मम्मा वो ना मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ. ये क्या अपने आप से कैमरे में बातें कर रहे हो अजीब. ये कैमरे में बातें नहीं मम्मा ये असल में ना यूट्यूब पे जाते हैं वो मुझे मजा आता है इसीलिए मैं करता हूँ ये. जी जी बेटा तुम्हें पता नहीं है लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में. मामा ये जुमला ना बोला करेंगे लोग क्या कहेंगे. ये अजीब देसी आंटियां बैठ के दूसरों के बेटों के बारे में कहती रहती हैं ये आपसे नहीं हो पाएगा ये नहीं आपका बेटा नहीं कर पाएगा अजीब. तो पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला है कि ना जब एक आंटी दूसरे आंटी को कहती है आपके बेटे से नहीं हो पाएगा ये अजीब लोग आपको पता है ना लोग क्या कहेंगे. इस वजह से बहुत से लड़के या लड़कियां व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हैं. पाकिस्तान में यूट्यूब इतना नहीं फैल रहा है क्योंकि ये जुमला आपके भाई ने ना फिर लोग क्या कहेंगे वाले जुमले को साइड पे कराया और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑन दिस पोजीशन विद 1000 सब्सक्राइबर्स ड्यू टू यू गाइस. थैंक यू यार थैंक यू दिल्ली गहराइयों से आप सबको थैंक यू. अच्छा तो मैं पहले व्लॉगिंग करता था इंग्लिश में तो मेरा एक्सेंट इतना नहीं अच्छा था मुझे पता है. तो दोस्तों ने भी कहा यार इंग्लिश में ना करो उर्दू में करो. तो देन आई स्टार्टेड इन उर्दू और उसके बाद मेरे व्लॉग्स बेहतर होते गए बेहतर बेहतर और फिर आपका भाई 1K स्पेशल के साथ इधर हाजिर है. अब मुझे कुछ व्लॉग्स बिल्कुल भी नहीं पसंद जैसे कि जो मैंने कहा था मैंने एविंग डाले हैं मेरी मुझे नहीं लगता वो बहुत अच्छे थे. जैसे कि बॉनफायर वाला मुझे इतना बुरा लगता है बट उस वक्त मैं पता नहीं कैसा था. हाँ भाई डाल दो बड़ा अच्छा है बट अब बेहतर होते जाएंगे आई गारंटी. तो मोस्टली मेरे सारे व्लॉग्स घर में बैठ के आपके भाई ने 1K हासिल किए हैं. बट शुरू वाले जब मुझे व्लॉगिंग थी अच्छी तरीके से नहीं आती थी मोस्टली वो बाहर के थे उसके बाद मोस्टली सारे मैंने घर पे बनाए. तो जानी मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेम ही कि बड़े लोग आ गए भाई व्लॉगर. मैं कहता हूँ यार बड़े लोग क्या मतलब. आई एम वन ऑफ यू गाइज यार ना मैं आपसे जिस्म में बड़ा हूँ ना मैं आपसे हाइट में बड़ा हूँ इवन तो मैं बड़ा कैसे हूँ. तो लोग पूछते हैं जानी यार हम तो सालों साल लग गए हम 500 तक नहीं पहुँचे या 1K तुमने 6 months में 1K कैसे हिट कर लिए. मैं सब यूट्यूबर्स हु आर वॉचिंग आई वुड बी गिविंग अप अ टिप. मैं इतना कोई बड़ा कोई मेरी टिप आपके लिए फ़ायदेमंद तो मुझे पता ही नहीं होगी क्योंकि लोग अमल नहीं करेंगे बट कंसिस्टेंसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होती है. जानी मुझसे कभी लोग कहते थे यार तुमसे व्लॉगिंग नहीं हो पाएगी जानी छोड़ दो व्लॉगिंग बट आपके भाई ने हिम्मत नहीं हारी और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑन दिस स्टेज के आपके भाई ने 1K. मौसम अच्छा हो रहा है तो यहाँ बात करते हैं. तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं हाउ डू यू डील विथ हेट. यार जानी सबसे पहले हेटर सबकी ज़िंदगी में होते हैं आई नो. तो मैं उनको मिस कराता हूँ इग्नोर कराता हूँ बिल्कुल इग्नोर कराता हूँ या उनको ऐसा कमेंट करता हूँ जिससे वो इम्प्रेस होके कहते हैं सॉरी सर. एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ है. तो एक बार एक लड़के का मैसेज नहीं कमेंट आया कि जानी आपके व्लॉग्स बहुत फारिग हैं. मैंने सोच समझ के एक कमेंट किया सॉरी जानी आपके मुताबिक नहीं बना सकता. तो उसका रिप्लाई आया जानी आपके व्लॉग बहुत फिट हैं एंड आई एम सॉरी और 2-3 आर्ट भेज दिए. मतलब कि ये सब मिलके हमको पागल बना रहे हैं यार. तो देखा आपके भाई ने हेट कैसे डील की. उनके कमेंट्स इग्नोर कराता हूँ और जो अच्छे कमेंट्स होते हैं उनको पढ़ के खुश होता हूँ. तो जानी मैं हूँ ओ लेवल का स्टूडेंट और मुझसे लोग पूछते हैं आप स्टडी और व्लॉगिंग को कैसे मैनेज कर रहे हैं. अब जैसे स्कूल स्टार्ट हुए हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आप लोग पढ़ो और सैटरडे संडे आप लोग व्लॉगिंग करो.
कैसा दिया? नहीं दिया अच्छा। तो अब मेरे हाथ में है डायरी, समझ तो थोड़ा बहुत गए होंगे। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ आई स्टार्टिंग माई व्लॉगिंग और उसकी टाइम लाइन टाइप दिखाते हैं। तो पेज नंबर कौन सा भाई? पूरी डायरी टाइम लाइन से भरी हुई है, ये जी बोल लेते हैं। देखेंगे, चले देखें। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिगर जानी, अंकल आंटी। दिस इज द सेवेंथ व्लॉग और अल्हम्दुलिल्लाह, या नहीं अल्हम्दुलिल्लाह 250 सब्सक्राइबर्स मुबारक हैं आपको भी, मुझे भी। अब वीडियोस अच्छी होती जाएंगी, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? मज़ा नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बॉय वी नीड एनर्जी, कहाँ रह गई तेरी एनर्जी भाई? 500 सब्सक्राइबर्स हो गए, अभी भी एनर्जी नहीं आई। Hold up. One day is not coming slow. यार मतलब के 1K, I wasn't expecting this के मेरे इस साल तक 1K हो जाएंगे। मुझे मैसेजेस आते हैं कभी कभार या कमेंट्स आते हैं, जानी शाउट आउट। यार मुझे याद है जब मेरे 100 या 200 सब्सक्राइबर्स थे, मैंने शहजाद भाई को बहुत तंग किया था जानी शाउट आउट देने। मैंने कहा व्लॉग देखें और मुझे अगर अच्छा लगे तो शाउट आउट। तो उन्होंने मेरा व्लॉग देखा और कहते अच्छा है बट स्टोरी टेलिंग इम्प्रूव करो। तो आई वर्कड ऑन इट और उसके बाद मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते गए। इफ शहजाद भाई इज वॉचिंग, थैंक यू फॉर दिस सपोर्ट, मगर नहीं देख रहे होंगे आई नो। तो जानी मैं आप लोगों से कहूँगा, इतने काबिल बन जाओ कि लोग आपको शाउट आउट दें, आपको मांगना ना पड़े। तो अब लोग कहेंगे यार जानी तुमने भी तो मोमिना मुनीर से शाउट आउट मांगा था। मैंने मोमिना मुनीर से रिव्यू मांगा था, उसको अच्छा लगा, उसने कॉमेंट किया, फिर उसने खुद मुझे शाउट आउट दिया, मैंने नहीं मांगा था और मैं खुश हो गया, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े। बट सारे सब्सक्राइबर्स उसकी वजह से नहीं है, आई थिंक मेरा कंटेंट भी इतना अच्छा था कि उसको पसंद आया, आई डिज़र्व इट शायद। और हाँ जब मेरे 500 हुए थे मैं इतना खुश हुआ था। तो मैंने एक तो इंट्रो रिलीज़ की थी, वो मैंने रखी कि आप अभी भी भेज सकते हैं, बोलेंगे मेरा नाम ये है और मैं लाहौर से हूँ और जहाँ से भी हैं आप, और बस आप भाई के शशके देखें, जैसे आपने देख ली होगी शुरू में इंट्रो। तो मेरी इंट्रो रेडी है। और दूसरी बात मैंने की थी, आई वुड बी डूइंग अ गिव अवे, तो मैं अभी कर रहा हूँ। तो वो 1K स्पेशल पे था, क्योंकि यहाँ पे पोल आ रहा होगा, मैंने किया था कि मैं 1K स्पेशल बनाऊँ या 500 स्पेशल, तो आपको पता चल गया होगा। तो अब गिव अवे की तैयारियाँ करते हैं। अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर्चियाँ रेडी हैं नाम लिखने के लिए, फेसबुक का ज़रूर होना ज़रूरी है। तो वेट करते हैं यार, दो लोग सेलेक्ट नहीं हुए, एक है आदिल चीमा, ही हैज़न्ट लाइक माय इंस्टाग्राम पेज, मतलब फॉलो नहीं किया हुआ, और एक है
यर्मिया इरफान, इन्होंने भी मुझे फॉलो नहीं किया हुआ तो दे आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द गिव अवे। 18 लोग हैं इस गिव अवे में, तो मैं अपने भाई को बुलाऊंगा। एक पर्ची निकालो इनमें से, 18 पर्ची हैं और एक विनर होगा। अब शफल करके निकालो इस विनर। तो ये है पर्ची। तो OMG, द विनर इज फ्रॉम कराची, अली मुर्तजा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अली मुर्तजा की पर्ची निकल आई है। तो अब शायद अली मुर्तजा के पास आ रही होगी, और वो हर बार मेरी वीडियो पे कमेंट करता था। मोस्टली ही इज द फर्स्ट वन हु वॉचेस दिस वीडियो, मेरी वीडियो, और मुझे लगता है शायद ये भी वीडियो पहली फर्स्ट वन ही देख रहे हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, 1K सब्सक्राइबर्स हुए तो क्या हुआ उसमें यार जानी। तो सबसे पहले मैं जब अमेज तब था, मतलब मैं परेशान या शॉक था जब मेरे पे एक वीडियो बनाई गई जिसमें मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। और मैं इतना प्राउड फील कर रहा था कि मतलब मेरे ऊपर कोई वीडियो बना रहे। लोगों ने मुझे इंट्रोज भेजी, मैसेजेस भेजिए कि आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे हैं, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। मैं बहुत खुश हुआ वाकई। उसके बाद यूट्यूबर सच एज HKZ व्लॉग्स, शायद वो ना देख रहे हो, मोमिना मुनीर वो भी ना देख रही हो, द गुलशन खान शो, उन सब ने मुझे मेरी वीडियोस पे कमेंट किया और मैं उससे बहुत मोटिवेट हुआ। थैंक यू यार। देखो इतनी मेहनत के बावजूद आपको मेरे फ़ैन हो। हाँ? देखा, 1K के बाद फ़ैन है मेरे। हाँ, फ़ैन हो ना मेरे। देखा, व्लॉग बिल्कुल एंडिंग पे आ गया। तो नाउ आई वुड लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स हु सपोर्टेड मी फ्रॉम स्टार्ट, के जहाँ भाई तुमसे हो जाएगा इंशाल्लाह, तुम कामयाब होगे। एंड आई वुड लाइक टू थैंक माय फ्रेंड्स जो हर वक्त मुझसे कहते रहते थे हाँ जानी 1K पे तो ट्रीट बनती है, तो दे आर ट्रीट इज पेंडिंग और मैं इंशाल्लाह दूंगा। एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन हु सपोर्टेड मी, बट आई डोंट नो देम, बट स्टिल दे आर सपोर्टिंग मी। थैंक यू यार, दिली गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बस यहाँ व्लॉग एंड करेंगे, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, ये आपके भाई का स्टाइल है, पीस आउट।